दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज नवरात्रों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम नवरात्रों के लिए लेकर आए मूली की चटनी। और सबसे पहले आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बनाते हैं मूली की चटनी। और कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, नवरात्रों में से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मूली नवरात्रों में बेफिक्र होकर खा सकते हैं। आज हम मूली की चटनी लेकर आई है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए जान लेते हैं। ये देखिए, एक मूली जो पत्ते वाली मूली लेनी है, जिसके हरे पत्ते हों। ये देखिए पत्ते, जो हमने पत्ते काट कर रखे हैं, ये एक मूली के पत्ते। और ये हरी मिर्च, बिल्कुल हरी मिर्च लेनी है कच्ची। और ये अदरक का टुकड़ा जो हमने छील कर रखा हुआ है। और ये सेंधा नमक, सेंधा नमक व्रत में प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले मूली छील लेते हैं। ये देखिए मूली को छील लेते हैं, ऐसे छील लेते हैं फटाफट। आप चाहे तो इसको ऐसे इसका भी छील सकते हैं, ऐसे भी जल्दी छील जाती है। और ये देखिए ऐसे फटाफट छील लेते हैं। और मूली की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, व्रत में आप इसको खाइए, आपका स्वाद बढ़ाएगी। और ये देखिए मूली छीलने के बाद हम इसके दो तीन पीस बना लेते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे ऐसे काट लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हरी मिर्च की डंडी तोड़ लेते हैं। ये देखिए सारी डंडी तोड़ देनी है, जितने भी आप मिर्च डालना चाहते हैं उतनी हरी मिर्च डालिए और उनकी डंडी तोड़िए। अरे देखिए आप जितनी भी हरी मिर्च डालना चाहते हैं उतनी डालिए। ये देखिए आज हम इतनी डालते हैं, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए। अब एक मिक्सी का जार लेते हैं, वैसे तो आप इसको सिल बट्टे पर भी बना सकते हैं, देखिए मिक्सी में अच्छे से बन जाती है साफ़ सुथरी। अब इसको मिक्सी के जार में डालते हैं। देखिए ये मूली के पत्ते भी डाल देते हैं सारे। और मूली को पहले धोना, पहले से धो के रखना है साबुत। हरी मिर्च सारा इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसमें डालते हैं सेंधा नमक स्वाद के हिसाब से। ये देखिए ग्राइंडर कर लेते हैं। अभी देखिए मिक्सी ऑन करते हैं। ये देखिए हमारी मूली की चटनी बिल्कुल तैयार है, जो व्रत वालों के लिए। अब इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए देखना, हरे पत्ते वाली मूली लेनी है, सूखे पत्ते नहीं। और इनकी चटनी कितनी स्वादिष्ट बनती है। और ये देखिए हमारी मूली की चटनी बिल्कुल तैयार है, जो व्रत वालों के लिए। और अगर आप चाहते हैं तो इसका आप तड़का भी लगा सकते हैं, और भी स्वाद बढ़ाएगी। अगर आप तड़का लगाना नहीं चाहते आप इसको ऐसे भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।